यूपीआरएनएन इस प्रोजेक्ट का कर रहा था निर्माण। 127 करोड़ के प्रोजेक्ट का निर्माण यूपीआरएनएन करा रहा था। तो विधानसभा निर्माण का कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा और यूपी के बाहर मेघालय में यूपीआरएनएन ने कराई बेइज्जती। तो इसी साल अगस्त में विधानसभा भवन को पूरा होना था, लेकिन फिलहाल जो निर्माण कार्य था वो भी अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। अगस्त में विधानसभा का कार्य पूरा होना था, तो फिलहाल पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने नहीं की कोई बड़ी कार्रवाई। 2019 में निर्माण शुरू हुआ था और 2022 में फिलहाल पूरा होना था। मेघालय विधानसभा की हम बात कर रहे हैं जिसका प्रोजेक्ट था फिलहाल, और इसी साल अगस्त में इस प्रोजेक्ट को पूरा भी होना था। निर्माण का कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। यूपीआरएनएन ने एक बार फिर से कहीं ना कहीं बेइज्जती कराई। अगस्त में विधानसभा भवन पूरा होना था। तो एमडी सत्यप्रकाश सिंगल के भ्रष्टाचार की बात करें तो फिलहाल एक बार फिर नाम सामने आया। 2019 में निर्माण शुरू हुआ था और 2022 में पूरा होना था, लेकिन इसी बीच पहले एक बार फिर लापरवाही भ्रष्टाचार साफ तौर पर सामने आया कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। तो यूपी के बाहर मेघालय की बात करें, इसी साल अगस्त में विधानसभा भवन पूरा होना था। और भारत समाचार स्टेट हेड वीरेन जी हमारे साथ जुड़ गए। वीरेन जी, नए भवन का गुंबद ढहा, यूपी आरएनएन करा रहा था निर्माण, लेकिन इसी में भ्रष्टाचार साफ तौर पर सामने आया इस प्रोजेक्ट में। देखिए, ये पूरे देश में यूपी आरएनएन के इंजीनियरों ने बहुत बड़ी बेइज्जती कराई है। उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी संस्था थी उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, जिसके भ्रष्टाचार के चलते आज मेघालय में विधानसभा का भवन गिर गया है। ये विधानसभा का भवन पिछले 3 साल से बन रहा था और आईआईटी द्वारा ये डिजाइन अप्रूव किया गया था। इसी साल अगस्त में ये विधानसभा भवन बनकर तैयार हो जाना था, हैंड ओवर होना था, लेकिन 3 महीना पहले ये भवन आज गिर गया है मेघालय में। और उत्तर प्रदेश की निर्माण एजेंसी यूपीआरएनएन इसका निर्माण करा रही थी। एसपी सिंघल जो इसके एमडी है इस प्रोजेक्ट के, वो इसके लिए जिम्मेदार है। सत्यप्रकाश सिंघल जब से यूपीआरएनएन में आए हैं उसका लगातार भट्टा बैठ रहा है, उसका व्यवसाय नीचे जा रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, और इंजीनियरों के भ्रष्टाचार के चलते आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश की बेइज्जती हुई है। मेघालय में 127 करोड़ रुपए की लागत से नया विधानसभा का भवन उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम बना रहा था जो गिर गया है। अब इसको फिर से बनाने में इसके ढांचे को करीब 8 महीना लगेंगे, उससे पहले ये ढांचा नहीं बन पाएगा। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनको सत्यप्रकाश सिंघल जो एमडी है उनका संरक्षण है, और इसके चलते यूपी की बहुत किरकिरी उत्तर प्रदेश के बाहर हुई है। वैसे भी यूपी के जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उनको बाहर काम नहीं मिल रहा है, ऊपर से इस तरह से घटिया निर्माण कराकर ये और बेइज्जती करा रहे हैं। यूपी के नए पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के पास इस जानकारी इसकी आई है कि नहीं, ये उनको देखना होगा और इस मामले में उनको बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का चरम है और यूपी की बहुत भारी बेइज्जती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी बड़ी जानकारी के लिए, तमाम सारी जानकारी के लिए। तो वाकई में कहने के जिस तरीके से यूपीआरएनएन एमडी सत्यप्रकाश सिंघल के भ्रष्टाचार का ही नतीजा है, वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की। मामला अब संज्ञान में फिलहाल आ चुका है। 2019 में निर्माण शुरू हुआ था और 2022 में फिलहाल पूरा होना था। तो मेघालय विधानसभा का गुंबद ढहा और 2019 में निर्माण शुरू हुआ था।